Hello friends, welcome back to my YouTube channel, The Whiskypedia. I'm your host Amit. Guys, today I will be doing review of one of the highest selling Scotch whiskey in India, Black Dog Reserve whiskey. आज मैं इसका complete review करूंगा, बताऊंगा आप सबको क्या है इसकी nosing, क्या है इसकी pricing और क्या है इसका taste. दोस्तों, इस वीडियो को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने डबल धमाका किया है. मैं इसका करूंगा comparison किसके साथ होगा? ब्लैक डॉग का कंपैरिजन होगा ब्लैक डॉग के साथ ही. जी हाँ दोस्तों, दो बॉटल्स हैं मेरे पास. एक जो बॉटल है ये मैंने आर्मी कैंटीन से ली है, सीएसडी कैंटीन से, और ये जो बॉटल है ये नॉर्मल वाइन शॉप से ली है. मैं दोनों का प्राइस शेयर करूंगा इस वीडियो में, बताऊंगा आपको कि कैंटीन में ये क्या रेट में मिलती है पंजाब में, और नॉर्मल वाइन शॉप पे ये क्या मिलती है, क्या है इसका रेट. उसके बाद मैं दोनों की नोजिंग करूंगा, दोनों का ही मैं टेस्ट करूंगा, और उसके बाद देखूंगा कि क्या कोई डिफरेंस होता है कैंटीन की लिक्विड में और जो है नॉर्मल वाइन शॉप में. तो वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर आपको मेरी जो है वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. तो चलिए चलते हैं अपने रिव्यू की तरफ. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी जानकारी शेयर कर देता हूं मैं आप सबके साथ ब्लैक डॉग रिजर्व विस्की के बारे में. दोस्तों, ये एक ब्लेंडेड स्कॉच विस्की है और ये बनना स्टार्ट हुई थी इन द ईयर 1883 में. इसका जो नाम है ब्लैक डॉग, ये काले कुत्तों से इंस्पायर्ड होके नहीं पड़ा है, बल्कि ये इंस्पायर्ड हुई है एक फिशिंग एंगल से. जैसे कि आप देख सकते हो बॉटल के सेंटर पे यहाँ पे एक लोगो बना हुआ है फिशिंग एंगल का, जिसे हम कांटा भी बोलते हैं, जिसे हम फिशिस को पकड़ते हैं उसी का लोगो है ये, और उसी से इंस्पायर्ड होके इसका नाम जो है ब्लैक डॉग पड़ा है दोस्तों. और ये इंडिया में ऐसे ही आती है अनडाइल्यूटेड. कहने का मतलब ये है इसकी ब्लेंडिंग और इसकी एजिंग जो भी हुई है वो स्कॉटलैंड में ही हुई है, लेकिन वहां से ये ऐसे ही रॉ लाई जाती है इंडिया में, क्योंकि कॉस्ट कटिंग काफी हो जाती है उसके साथ, और फिर इंडिया में इसको डाइल्यूट किया जाता है पानी के साथ, और उसके बाद इसकी जो है बॉटलिंग यहीं पे होती है दोस्तों. ये जो बॉटल है ये 750 ml की बॉटल है, और इंडिया में इसको लाती है यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड, जो कि पार्ट है डाइगियो कंपनी का, जिसके और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हमारी मार्केट में आते हैं. एक बहुत ही लंबी लिस्ट है, काफी पॉपुलर ब्रांड्स और काफी पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं इस जो है पर्टिकुलर कंपनी के. जैसे कि आप देख सकते हो ये जो बॉटल का प्राइस है पंजाब में 750 ml की बॉटल का प्राइस है दोस्तों 1600 रुपीस पंजाब जलंधर लुधियाना में. ये 1600 रुपए की 1600 रुपीस की मिलती है, लेकिन ये डिफर कर सकता है आपकी स्टेट में. जैसे कि टैक्सेस, हर स्टेट के अलग अलग टैक्सेस होते हैं, हो सकता है कहीं पे ये 2200 की भी मिलती हो. जैसे कि महाराष्ट्र में काफी महंगी है लीकर, मेरे कई जो है सब्सक्राइबर्स मुझे बताते हैं कि महाराष्ट्र में काफी प्राइजेस हैं, वहां पे इसका प्राइस काफी हो सकता है, लेकिन पंजाब में इसका प्राइस है 1600 रुपीस 1600 रुपए. तो अब मैं इसको ओपन करता हूं और दिखाता हूं आपको कैसी है इसकी बोतल, फिर हम करेंगे इसकी नोजिंग और फिर मैं करूंगा इसका टेस्ट. तो चलिए चलते हैं इसके 360 व्यू, ये करते हैं इसका 360 व्यू और अनबॉक्सिंग. तो ये है बॉक्स, ब्लैक डॉग रिजर्व विस्की का, ब्लैक और गोल्डन के कॉम्बिनेशन में आता है. लेकिन एक बात देखने वाली ये है कि यहाँ पे कहीं भी एज स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई, सिर्फ यहाँ पे लिखा है एज्ड एंड रेयर, लेकिन कहीं भी एज स्टेटमेंट नहीं लिखी है कि इसको कितनी देर तक मैच्योर किया गया है. बैक साइड पे वो पूरी स्टोरी मेंशन है, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि ये कैसे इसका नाम ब्लैक डॉग पड़ा है. यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि वो कांटे के नाम से इसका नाम ब्लैक डॉग पड़ा है. 750 ml की बोतल है, 75% प्रूफ है, 42.8% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इसमें अल्कोहल स्ट्रेंथ है. इसके ऊपर जो MRP मेंशन है ये है 1556 रुपीस पंजाब में, लेकिन ये मिली है 1600 रुपए की. एक जो बोतल है मेरे पास और है, जो मैं आपको बता रहा था स्टार्टिंग में, इसके पीछे कोई भी MRP नहीं लिखी है, क्योंकि ये आर्मी कैंटीन से ली गई है. जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है फॉर सेल इन CSD पंजाब ओनली, और इस पे कोई भी MRP नहीं है मेंशन. लेकिन दोस्तों ये दोनों बोतल एक ही जो है यूनिट में बनी है, जैसे कि आप पढ़ सकते हो यहाँ पे भी लिखा है कि ये अमृतसर में बनी है, सेम मंथ की बोतल है दोनों,
ये भी जो है ये 27 जो है फेब की 2020 की बनी है और ये बोतल भी वहीं से ही आई है और उसी मंथ की मैन्युफैक्चरिंग है इसकी। तो चलिए अब मैं इसको बाहर निकालता हूँ और दिखाता हूँ आपको बोतल कैसी है। इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। गाइस जैसे ही आप बोतल खोलोगे सबसे पहले ऊपर यहाँ पे इसकी नोजिंग और टेस्ट के बारे में लिखा गया है कि इसमें से कैसी नोजिंग आएगी आपको और कैसा टेस्ट मिलेगा। तो चलिए अब इसकी बोतल को बाहर निकालता हूँ और दिखाता हूँ आपको बोतल कैसी है दिखने में। तो ये है बोतल ब्लैक डॉग रिजर्व विस्की की। काफी प्यारी बोतल है, छोटी है साइज में, लेकिन इसकी जो फील है, इन हैंड फील है पकड़ने में, काफी प्यारी लगती है। काफी मुझे काफी पसंद है इसकी बोतल। इसका जो कलर है डार्क कलर है फ्रेंड्स। तो ये तो थी इसकी क्विक अनबॉक्सिंग। अब मैं इसको ग्लास में करूंगा पोर और बताऊंगा आपको कैसी है इसकी नोजिंग, फिर हम करेंगे इसका टेस्ट। तो चलिए चलते हैं इसके रिव्यू की तरफ। तो चलिए टाइम आ गया नोजिंग और टेस्टिंग का। ओपन करता हूं मैं अपनी बॉटल को। उससे पहले मैं आपको शेयर करना चाहता हूं दोस्तों, मेरा जितना भी फ्रेंड सर्कल है उन सबकी पहली जो चॉइस है वो यही ब्लैक डॉग रिजर्व विस्की है। 100 पाइपर से पहले वो इसको पीना पसंद करते हैं, काफी लाइक करते हैं सब इसको। इवन कि मुझे भी काफी पसंद है विस्की ये। जैसे ही इसकी बोतल आज खुलेगी तो समझो ये बोतल मेरे हाथ से गई। तो चलिए अब मैं ओपन करता हूं इसको। ये है पंजाब गवर्नमेंट की सील। तो अपनी बोतल को करते हैं ओपन। तो गाइस ये हो गई हमारी बोतल ओपन। अब मैं पोर करके आपको कलर दिखा देता हूं कि कैसा है कलर इसका। थोड़ी सी पोर करूंगा मैं ये। काफी डार्क कलर लग रहा है इसका, देखने में काफी अच्छा लग रहा है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि इसकी लेग्स कैसी बन रही हैं। तो इसका जो कलर है काफी डार्क गोल्डन कलर है, ये आप देख सकते हैं, लाइट कलर नहीं है। जैसे कि वुड्स का कलर होता है काफी डार्क, वैसा कलर इसमें जरूर दिख रहा है। हालांकि इसके ऊपर कोई भी एज स्टेटमेंट नहीं लिखी कि कितनी देर तक इसको मैच्योर किया गया है। तो इसका कलर काफी प्यारा कलर है और इसकी जो बॉडी बन रही है दोस्तों काफी हैवी बॉडी बन रही है। जैसे कि आप देख सकते हो इसके जो ऑयल्स हैं काफी आराम से नीचे आ रहे हैं। तो अब मैं करता हूं इसकी नोजिंग और बताता हूं आपको कि नोजिंग में कैसी लगती है ये। तो चलिए करते हैं इसकी नोजिंग। सबसे पहले तो दोस्तों मैं बोलना चाहूंगा कि काफी स्वीट है नेचर में। अल्कोहल का पंच तो आप बिल्कुल भूल ही जाइए। काफी स्मूथ, काफी स्वीट सी इसमें से नोजिंग आ रही है। बिल्कुल भी अल्कोहल का पंच नहीं आ रहा है, जो कि एक काफी अच्छी बात है क्योंकि प्राइस रेंज के हिसाब से 1600 है पंजाब में प्राइस, और उस हिसाब से काफी अच्छी क्वालिटी की विस्की लग रही है ये। तो एक बार फिर से मैं करता हूँ इसकी नोजिंग। दोस्तों वुड्स का, लकड़ी का काफी अच्छा इसमें से एक इम्पैक्ट आ रहा है, काफी अच्छी नोजिंग आ रही है, काफी स्वीट नोट्स आ रहे हैं इसमें से, काफी प्यारी फ्रूटी फ्लोरल जो है नोट्स आ रहे हैं, काफी प्यारे हैं नोट्स इसके। हार्ड तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है नोजिंग में। फ्रेश फ्रूट्स जो होते हैं उसकी काफी अच्छी फ्रूटी पंच है इसमें से, काफी अच्छी फ्रूटी फीलिंग है। हल्का हल्का वनीला का एक मुझे हिंट मिल रहा है बैक एंड पे, हल्का वनीला का, लेकिन इसमें से स्मोक वगैरह स्मोकी तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है। फ्रूटी लग रही है, काफी अच्छी फ्रूट्स की फ्लोरल जो है फूलों की काफी अच्छी इसमें से नोजिंग आ रही है और हल्का सा वनीला का हिंट इसमें से मिल रहा है। काफी ऑलराउंडेड विस्की लग रही है ये, काफी प्यारी है नोजिंग में। अब मैं इसको पैलेट पे लेता हूं और बताता हूं आपको कि पीने में कैसी है ये। काफी अच्छी, बहुत ही स्मूथ है ये। प्राइस रेंज को देखते हुए बहुत स्मूथली नीचे जा रही है, बिल्कुल भी बर्न नहीं दे रही है ये। फ्रूट्स का, जैसे कि एक फ्रूट का बिल्कुल बास्केट होती है, जैसे कि आप इसका सिप लोगे
एक पूरी फ्रूटी फिनिश आपको आएगी, काफी अच्छी एप्पल्स की, ग्रेप्स की, काफी अच्छे अच्छे ड्राई फ्रूट्स मिल रहे हैं मेरे को, काफी फ्रूटी, काफी ड्राई फ्रूट रिच, प्लम्स, रेजिन्स, कैश्यू, आलमंड्स, ऐसी इसमें से जो है टेस्ट आ रहा है। टेस्ट में बहुत ही प्यारी स्मूथ, मक्खन जैसे स्मूथ होता है वैसी ही स्मूथ है ये। एक बार फिर से मैं ट्राई करता हूं इसको। दोस्तों शेरी वुड का काफी अच्छा इंपैक्ट है इसमें से, जो माउथ में कोटिंग है ना काफी अच्छी कोटिंग दे रही है, काफी स्मूथ, काफी बटरी, काफी क्रीमी और ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट्स काफी जो है, इसकी टेस्ट जो है बहुत ही एक बढ़िया एक कॉम्बिनेशन है टेस्ट का। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप एक एंट्री लेवल स्कॉच विस्की को पी रहे हो, काफी अच्छी स्कॉच विस्की है दोस्तों। इस प्राइस रेंज में तो मुझे काफी अच्छी लगी, जो मैं इसको रेटिंग दूंगा वो 9 दूंगा टेस्ट के लिए और प्राइसिंग के लिए, क्योंकि पंजाब में जो इसका प्राइस है 1600 रुपीज बहुत ही प्यारा प्राइस है। इस प्राइस रेंज में मेरे हिसाब से काफी अच्छा प्रोडक्ट है ये, बाकी स्टेट्स में थोड़ा ऊपर नीचे प्राइस हो सकता है, लेकिन 1600 रुपए में काफी अच्छी क्वालिटी की विस्की है। यही एक मेन फीचर है कि इसकी इतनी ज्यादा बढ़िया सेल्स है हमारे इंडिया में, लोग इसको पीना पसंद करते हैं, क्योंकि एक ये अपर लेवल की स्कॉच विस्की का आपको पूरा जो है एक मजा देगी, काफी अच्छा इंपैक्ट देगी, मुझे भी पीने में काफी अच्छी लग रही है। ऐसी विस्की है जिसको आप नीट भी पी सकते हो, जिसको आप कॉकटेल में भी पी सकते हो, विद वाटर भी पी सकते हो दोस्तों, काफी स्मूथली ये आपके अंदर जाएगी। और मैं अब इसका करूंगा कंपैरिजन दूसरी बॉटल के साथ, पहले मैं आपको दिखा देता हूं वो बॉटल। ये भी मेरी रेगुलर बॉटल है दोस्तों, मैंने इसमें से पी हुई है, तो अब मैं इसको ओपन करता हूं और दिखाता हूं। जैसे कि आपने वो बॉटल देखी थी उसके ऊपर व्हाइट के साथ लिखा हुआ था, इसके ऊपर सारा रेड के साथ मेंशन है, कैंटीन से जैसे कि आई हुई है, सारा मेंशन है कि कैंटीन से आई है। अब मैं इसको भी थोड़ा सा ग्लास में पोर करूंगा और देखूंगा कि क्या इन दोनों के टेस्ट में कोई डिफरेंस है या नहीं है। तो चलिए अब मैं अपने दूसरे ग्लास को भी लेता हूं और इसको करता हूं पोर ग्लास में। दोस्तों बिल्कुल सेम लग रही है, जैसे कि आप देख सकते हो कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं है, कलर में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब मैं इसकी नोजिंग करूंगा और बताऊंगा आपको कि इसकी नोजिंग में कैसी है। बिल्कुल सिमिलर नोट्स, बिल्कुल सिमिलर नोजिंग है इसकी, कोई भी डिफरेंस नहीं है दोस्तों। अब मैं इसको टेस्ट करूंगा और बताऊंगा आपको कि टेस्ट में कोई डिफरेंस है या नहीं है। दोस्तों बिल्कुल सिमिलर प्रोडक्ट है, कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं है, ना टेस्ट में ना नोजिंग में, लेकिन प्राइस में जरूर है डिफरेंस। एक जो बोतल है ये मुझे 850 की पड़ी है आर्मी कैंटीन में, इसका प्राइस 850 रुपीज है 750 ml के लिए, और नॉर्मल वाइन शॉप से ये मुझे पड़ी है 1600 रुपीज की, 1600 रुपए की। तो आप देख सकते हो आधे का डिफरेंस आ गया है पैसे में, एक ही यूनिट में बनी है, एक जैसी ही प्रोसेसिंग हुई है, एक ही मंथ की मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन प्राइस में जो है हाफ का डिफरेंस है, टेस्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं है। हाँ कभी कभी हो सकता है दोस्तों, कभी कभी जो है जो विस्की ऐसी भी आ जाती है जो पीछे से ही उसमें कुछ मिलावट हुई हो, लेकिन नॉर्मल वाइन शॉप्स पे जो गुड रेपुटेटेड वाइन शॉप्स होती हैं उन पे आपको अच्छे प्रोडक्ट्स ही मिलेंगे, कभी भी जो है मिक्सिंग वाले प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे। ये एक मिथ ही है कि कैंटीन में जो विस्की है वो ज्यादा बढ़िया आती है और नॉर्मल जो है मार्केट में वो उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आती। दोस्तों अगर आप एक अच्छी वाइन शॉप से लोगे, एक रेपुटेटेड वाइन शॉप से लोगे, तो आपको एक जैसा सिमिलर प्रोडक्ट ही मिलेगा। और रही बात रिव्यू की, तो काफी अच्छी विस्की है ये, मुझे तो काफी अच्छी लगी।
इसकी जो मैं रेटिंग देता हूँ ये 9/10 देता हूँ। आपको कैसी लगती है ये पीने में प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये तो थी आज की वीडियो, जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल देन चीयर्स, पियो और जियो।